नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। पीएम मोदी ने आज गुरुग्राम में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दिल्ली के चारों तरफ रिंग रोड की तरह एक्सप्रेसवे तैयार हो गए। लेकिन इस हाईवे पर सबसे पहले सियासत दौड़ी, वो भी तूफानी रफ्तार से। इट इज इम्पॉसिबल टू मेंशन मोर देन जस्ट अ हैंडफुल ऑफ हर अचीवमेंट्स इन द 16 इयर्स शी वाज प्राइम मिनिस्टर। One of her favorite quotations was something she had been told by her grandfather, and I quote, "There are those who work, and there are those who take credit. Try to be in the first group," unquote. Indeed, she was. विधानसभा चुनावों से ठीक पहले तेजी से सक्रिय हुई सोनिया गांधी ने आज फिर एक बार मोदी सरकार पर इशारों इशारों में तीर छोड़े। मामला वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से जुड़ा था। प्रोजेक्ट यूपी सरकार के वक्त का था। पीएम मोदी ने आज सुबह एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के वक्त पिछली सरकार पर विकास कार्यों में लेट लतीफी का आरोप मढ़कर खुद की पीठ थपथपाई। अटकाने, लटकाने और भटकाने वाली संस्कृति ने हरियाणा का, यहाँ की जनता का, पूरे दिल्ली एनसीआर का कितना बड़ा नुकसान किया है। इस एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल कॉमनवेल्थ गेम में होना था। जब कॉमनवेल्थ गेम हुई थी तब इस एक्सप्रेस वे का उपयोग होना था, लेकिन कॉमनवेल्थ खेल की जो गति की गई वही कहानी इस एक्सप्रेस के भी सबूत बन गई। वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे उस बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो दिल्ली को चारों ओर से घेरता है। इसका एक हिस्सा यानी वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पहले ही चालू हो चुका है। राजधानी दिल्ली के चारों तरफ बाईपास की तरह काम करेगा हाईवे। दूसरे राज्यों को जाने वाली रोजाना करीब 50,000 बड़ी गाड़ियों को अब दिल्ली आने की जरूरत नहीं। बड़ी गाड़ियों में कमी आने से दिल्ली के प्रदूषण स्तर में राहत की उम्मीद। केएमपी हाईवे के नाम से जाना जाने वाली सड़क हरियाणा में 6 जगहों को जोड़ेगी। सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात और पलवल से आप इस हाईवे पर पहुंच सकते हैं। गुरुग्राम से राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ मेरा विकास तेरा विकास का झगड़ा चल रहा है, पीएम पर सोनिया ने इशारों में निशाना साधा, तो उधर पीएम मोदी इस वक्त ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर एक कार्यक्रम में बोल रहे हैं, जहां उन्होंने एक बार फिर अपनी सरकार में हुए विकास के कामों को गिनाया। देश के आम नागरिक, आम व्यापारी और छोटे छोटे उद्यमियों के जीवन में, कामकाज में सरलता आए, ईज ऑफ लिविंग बढ़े, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। आज जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग सुधर रही है तो इसका मतलब है हमारे देश में छोटे छोटे उद्यमियों के लिए भी कारोबार करना आसान हो रहा है।